जमीन, घर और ऑफिस सबको मिला के 5 करोड़ हो जाएंगे। और ये सब आपका है? हाँ भाई, बिल्कुल मेरा है। अगर जो कुछ आपका है वो मेरा हो जाए तो? पिला पिला कर मारने का इरादा है क्या? आप पियोगे, खूब पियोगे, होश में नहीं रहोगे, आसान हो जाएगा ना काम। तो नशे में गाड़ी ठोक दूंगा, घर पहुंचने की बजाय सीधा ऊपर चला जाऊंगा। एग्जैक्टली, खुद नहीं जाओगे तो मैं पहुंचा दूंगी। आप बस पियो, जितना जी चाहे उतना पियो। कभी कभी इंसान की कोई कमजोरी सामने वाले का वो हथियार बन सकती है जिसकी नोक पर वो उस इंसान से जो चाहे करवा सकता है, उसका सब कुछ हड़प सकता है। हम हर सामने वाले के इरादे पर शक नहीं करते, लेकिन अगर सामने वाला हमारी कमजोरी को बढ़ावा दे तब शक की गुंजाइश बनती है। तब सतर्क होना जरूरी हो जाता है कि कहीं सामने वाले का इरादा गलत तो नहीं है, कहीं सामने वाला हमारी कमजोरी के हथियार से कोई गलत वार करने पर तो नहीं तुला है। अब तुम पूछोगे निखिल कि कल हम जा रहे हैं कि नहीं? हाँ भैया, हम यही पूछने वाले थे। हाँ भाई, जा रहे हैं हम आजमगढ़, और साथ में अम्मा और रोहन भी चल रहे हैं हमारे साथ। भैया आप पी रहे हैं? हाँ, लेकिन थोड़ी सी पी है। भैया आप तो थोड़ा सीरियस हो जाइए, कल पहली बार अंकिता से मिलने जा रहे हैं। अंकिता से पहली बार मिल रहे हैं? शादी तो पहली बार नहीं कर रहे। लेकिन भैया आपकी शराब की आदत से कहीं बनती हुई बात ना बिगड़ जाए। बात कैसे बिगड़ेगी, अंकिता को सब पता है, हमने सब कुछ उसे पहले ही साफ साफ बता दिया। क्या बता दिया? यही कि शौक के लिए पी लेते हैं। मतलब? हम समझे नहीं। मतलब ये कि हम शौक के लिए पीते हैं, शराबी नहीं है। तो क्या आप रोज पीते हैं? लगभग रोज। देखो अंकिता, हम मिले, हमारे घर वाले मिलकर हमारा रिश्ता जोड़े, उससे पहले हमें लगा कि हम अपनी बुरी आदत के बारे में तुम्हें बता दें, सो हमने बता दिया। अब फैसला तुम्हें करना। अब आपने इतनी ईमानदारी से अपनी बुरी आदत भी हमारे सामने रख दी है, हम बोले तो क्या बोले? सब कुछ साफ साफ बोल दिया। भैया शादी से पहले की बात अलग होती है, शादी के बाद के हालात कुछ और होते हैं। हाँ भाई, तुम ठहरे शादीशुदा, हम ठहरे तलाकशुदा, अब तुम्ही तो हमें सलाह मशवरा दोगे। भैया हम आपको सलाह नहीं दे रहे, हम और अम्मा तो बस यही चाहते हैं कि आपका घर फिर से बस जाए, आपको अच्छी पत्नी मिले और रोहन को माँ। अच्छा चल, अब रखते हैं, सुबह आजमगढ़ निकलने से पहले फोन करेंगे। ठीक है भैया, गुड नाइट। तो भैया जा रहे हैं कल? हाँ, कल सुबह निकलेंगे आगरा से और शाम तक आजमगढ़ पहुंच जाएंगे। अच्छा है ना, आप भी तो यही चाहते थे कि भैया आजमगढ़ जाएं और अंकिता से मिलें। अम्मा, रोहन सो गया क्या? हाँ, तो आज फिर पे क्या आया? अम्मा आज फिर हमें आप दो बातें सुनाएंगे? नहीं सुनाएंगे, चले जाएंगे निखिल के पास, बस एक बार तेरी शादी अंकिता से करवा दें। याद है ना कल सुबह जाना है? हाँ माँ, याद है हमें, और ये भी याद है कि गाड़ी हमें चलानी है। जो कुछ भी कर रहे हैं ना, तेरे लिए कर रहे हैं, समझते हम। तुम्हें बहुत छोटा है, तुझे माँ की जरूरत है ना। पवन ने दोबारा शादी करने का फैसला किया था। अगले दिन वो अपनी होने वाली पत्नी अंकिता से मिलने जा रहा था। प्लान आगरा से आजमगढ़ जाने का था, लेकिन इस प्लान के परे एक और प्लान भी आकार ले रहा था, लेकिन इन दोनों में से एक ही प्लान अपने अंजाम तक पहुंचने वाला था। हेलो,
मेहमान आ जाओ। The number you have called is currently not reachable. Please try again. निकल ये लीजिए आपका टिकट। क्या हुआ? भैया और अम्मा दोनों का ही फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। लेकिन आपकी सुबह ही तो बात हुई थी ना जब वो लोग निकले थे। हाँ लेकिन इस बात को 2 घंटे हो गए हैं। निकल आप परेशान मत होइए। हो सकता है हाईवे पे होंगे, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम होगा। बाद में ट्राई करते हैं। ठीक है। बाय। The number you have called is currently not reachable. Paresh! Dava! 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 Paresh, stumping masters, chal! The number you have called is currently not reachable. Please try again later. Thank you. The number you have called is currently not reachable. क्या हुआ? भैया पहुंच गए आजमगढ़? हाँ नहीं, अम्मा और भैया दोनों का ही फोन अनरीचेबल आ रहा है सुबह से। आप फिक्र मत कीजिए, ऐसे सफर में देर सवेर तो होती रहती है। आप गोवर्धन चाचा को फोन लगाइए ना। हाँ निखिल बेटा, कैसे हो तुम? हम ठीक है चाचा जी। पवन भैया से बात करनी थी। पवन तो अभी तक आया ही नहीं। हम भी तुमसे यही पूछने वाले थे कि ये लोग निकले भी हैं कि नहीं। चाचा जी वो लोग तो आज सुबह ही निकल गए थे, हमारी बात भी हुई थी भैया से सुबह 7 बजे के आसपास। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। हो सकता है रास्ते में गाड़ी वाड़ी खराब हो गई हो सकता है, पर अब तो हमें फिक्र होने लगी है। तो रास्ते में हो सकता है ट्रैफिक ज्यादा हो, उसकी वजह से देर हो गई हो। हाँ चाचा जी, लेकिन फोन तो करना चाहिए था। तुम फिक्र मत करो, हमें अंकिता के परिवार वालों को कल दोपहर के बाद ही मिलना है, और पवन बेचारा अकेला ही तो है ड्राइव करने वाला। थकान की वजह से हो सकता है कहीं रुक गए होंगे, सुबह तक आ जाएंगे। चाचा जी देर रात हो या सुबह, जैसे ही वो लोग आए हमारी तुरंत बात कराइएगा। ठीक है बेटा। क्या हुआ, भैया अभी तक पहुंचे नहीं? अब किसे फोन लगा रहे हैं? निखिल आप फिक्र मत कीजिए, ऐसे सफर में तो देर सवेर होती रहती है ना। आप टेंशन मत लीजिए, सो जाइए। देखिएगा सुबह सुबह भैया खुद ही फोन करेंगे। अगले दिन सुबह निखिल को फोन तो आया, लेकिन यह फोन पवन या उसकी मां ने नहीं किया। यह फोन उत्तर प्रदेश के बनारस शहर से आया, चौंकाने वाली जानकारी के साथ। हेलो निखिल भारद्वाज। जी हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं सब इंस्पेक्टर विवेक माथुर बोल रहा हूँ, सांची नगर आउटर बनारस पुलिस स्टेशन से। जी बोलिए। देखिए आज सुबह हमें एक कार मिली, डार्क ग्रे कलर की, जिसका नंबर है UP XX298L। क्या ये गाड़ी आपकी है? हाँ हमारी कार है, क्या हुआ? दरअसल
आपकी गाड़ी हमें बनारस हाईवे के पास जंगलों में मिली। सर उसमें हमारे भैया, हमारी अम्मा, हमारा भतीजा भी था, वो लोग कहाँ हैं? जी हमें सिर्फ गाड़ी मिली है, गाड़ी के अंदर कोई भी नहीं था। आरटीओ से हमने आपका नंबर पता लगाया। लेकिन सर वो तीनों कल सुबह आगरा से आजमगढ़ के लिए निकले थे, तो बनारस कैसे पहुंच गए? देखिए इस बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। आप जितनी जल्दी हो सकता है आ जाइए। ठीक है सर। निखिल क्या हुआ, किसका फोन था? बनारस पुलिस को भैया की कार मिली है। बनारस पुलिस? हाँ निखिल बेटा, हम तुम्हें ही फोन करने वाले थे, ये लोग अभी तक पहुंचे ही नहीं। वो अंकिता के पापा भी पूछ रहे थे पवन के बारे में। चाचा जी बनारस पुलिस को हमारी कार मिली है जंगल के पास। बनारस? कहाँ आजमगढ़, कहाँ बनारस? अच्छा चाचा जी हम अपने सीनियर से परमिशन लेके निकलते हैं बनारस के लिए, आप अंकिता के पेरेंट्स को समझा दीजिए। तुम उसकी फिक्र मत करो, हम संभाल लेंगे। ठीक है चाचा जी, पहले तो सामान पैक करो। बात काफी सीरियस है, तुम्हें जल्द से जल्द निकलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी फैमिली सेफ होगी। मैं भी यही प्रे कर रहा हूँ, बट बहुत टेंशन हो रही है सर। आई कैन अंडरस्टैंड। तुम जल्द से जल्द बनारस पहुंचो, अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। थैंक यू सर। नहीं कल हमने एक दो बार कोशिश की थी लेकिन फोन तो अनरीचेबल था उनका। अंकिता आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी भैया से? परसों, तब उन्होंने हमसे कहा कि कल वो गोवर्धन चाचा के यहाँ आ जाएंगे और आज वो हमारे घर आने वाले थे। हम आज बनारस पहुँच जाएंगे, अब वहीं जाके कुछ पता चलेगा। सुनिए जैसे ही आपको कुछ पता चले हमको भी एक कॉल कर दीजिएगा। हाँ ठीक है। कुछ पता चला बेटे? निखिल भैया आज बनारस पहुंचने वाले हैं, बनारस पुलिस को पवन जी की गाड़ी मिली है। आज ही तो सब कुछ तय होने वाला था, पता नहीं किसकी नजर लग गई। हमने कार की पूरी चेकिंग की पर कार में एक भी डेंट नहीं मिला, इसका मतलब कि एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है। लेकिन सर उनका सारा सामान गायब है, हो सकता है उन्हें किसी ने लूट लिया हो। अगर किसी चोर ने लूटा होता तो वो कार छोड़ के क्यों जाता? निखिल ऐसा भी तो हो सकता है कि माँ भैया और रोहन निकले ही ना हो आगरा से आजमगढ़ के लिए, हो सकता है कि वो घर पे हो। पर वो आगरा में होते तो कार यहाँ क्या कर रही है? और अगर घर पर होते तो लैंडलाइन का नंबर तो उठा देना। मुझे लगता है कि हमें एक बार आगरा का घर जाके चेक करना चाहिए। तो ताला लगा है, तुम्हारे पास दूसरी चाबी है ना? हाँ। दो। तो कोई भी नहीं, और ऐसा भी लगता है कोई जबरदस्ती घर के अंदर घुसा हो। आप कहीं पीछे बागान में तो नहीं है? आप एक बार चेक करके आइए बागान में। ठीक है।
The number you have called is currently not reachable. Please try again. नहीं लग रहा। फाइल में डर लग रहा है। वो पक्का आजमगढ़ के लिए निकले थे। ये रास्ते में उनके साथ कुछ? नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? सर, दो दिन पहले यानी 16 अप्रैल को सुबह करीब 7 बजे हमारी अम्मा, हमारे भैया और हमारा भतीजा तीनों हमारी कार में आगरा से आजमगढ़ के लिए निकले थे। सर, 2 दिन होकर अभी तक उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और उनका फोन अनरीचेबल आ रहा है। कल यानी 17 अप्रैल को बनारस पुलिस को वही कार आउटर बनारस के जंगल के पास मिली। आपकी उनसे आखिरी बार बात कब हुई थी? सर, 16 की सुबह करीब 7 बजे। हम जानते थे जाने से पहले तुम्हारा फोन जरूर आएगा। अच्छा, और हमें पता था आप हमें फोन नहीं करेंगे निकलने से पहले। बेटा, तुम चलते हो हमारी आजादी से, इसीलिए हमारी शादी करवा देना चाहते हो ना? अरे भैया, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप लाइफ में सेटल हो जाएं। और हमारे ख्याल से अंकिता जी आपके लिए बिल्कुल सही है। भैया, जो हुआ उसे भूल जाइए और आगे की सोचिए। रोहन, चलो गाड़ी में बैठो। वैसे भैया, आपको 7 बजे निकलना था ना, आप निकले नहीं अभी तक? अरे, सारी तैयारी हो चुकी है, सामान डिक्की में रखा जा चुका है, अम्मा और रोहन गाड़ी में बैठ चुके हैं, बस 1 मिनट के अंदर आजमगढ़ के लिए मार्च शुरू होगी। और इसके 2 घंटे बाद से करीब 9 बजे से मैं उनका फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। आपके भाई आजमगढ़ जा रहे थे अपनी शादी के लिए लड़की देखने? जी सर, अंकिता नाम है उनका। दरअसल हमारे चाचा जी जो आजमगढ़ में रहते हैं वही रिश्ता लाए थे। ये हमारे भैया की दूसरी शादी होने वाली थी। आपके भाई जा रहे थे आजमगढ़, गाड़ी मिलती है बनारस में, वो भी खाली बिना सामान के? जी सर। हम मिसिंग केस दर्ज करके तहकीकात शुरू करते हैं। इसके लिए हमें आपके भाई, आपकी माँ और आपके भतीजे की फोटो चाहिए। हम ये फोटोज स्टेट के सभी पुलिस स्टेशन में भेज देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सर। सुनिए, कहीं रजनी को पता तो नहीं चल गया कि भैया दूसरी शादी कर रहे हैं? हमको रोहन से बात करनी। रोहन तो अभी यहाँ नहीं है। पवन का फोन भी लगा रहे थे, बहुत बार ट्राई किया, अनरीचेबल बता रहा है। भैया, अम्मा और रोहन तीनों आजमगढ़ गए हैं। भैया शायद अपना फोन चार्ज करना भूल गए। जब भी तुम्हारी उनसे बात हो कह देना हमारी रोहन से बात करवा दे। इस वक्त रजनी का फोन आना कुछ अजीब नहीं लगता? पवन भारद्वाज, उसकी माँ, उसका बेटा रोहन, क्या हुआ था इन तीनों के साथ? कहाँ थे ये तीनों? बहुत जल्द इन सवालों का बांध टूटने वाला था। कई संभावनाएं, कई अलग अलग एंगल्स एक बाढ़ की शक्ल में उभर कर आने वाले थे। संभावनाओं और शक की ये बाढ़ कई खोखले रिश्तों को जड़ समेत उखाड़ कर फेंकने वाली थी। ऐसी ही एक रिश्तेदार थी रजनी, पवन की पहली बीवी, रोहन की माँ। रजनी को शायद पता चल गया हो, पर तुम क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही मन में ख्याल आया कि कहीं। कहीं क्या पायल, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि रजनी ने कुछ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बस हमारा मन बहुत घबरा रहा है, बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं मन में, कहीं अम्मा, भैया और रोहन के साथ कुछ गलत ना हो गया। एक 35 साल का आदमी है, साथ में एक 65 साल की औरत और एक 8 साल का बच्चा। नहीं सर, हमारे हॉस्पिटल में पिछले 4 दिनों से ऐसा कोई केस नहीं है। पुलिस ने आगरा से आजमगढ़ के रास्ते में आने वाले सभी अस्पतालों में पूछताछ की। उस रूट के सभी पुलिस स्टेशंस में तीनों गुमशुदा लोगों की फोटो और डिटेल्स भिजवाई गई। उस हाईवे पर स्थित सभी होटल्स और लॉजेस को भी चेक किया गया। सर, 0 रिजल्ट। पवन भारद्वाज और उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। पवन भारद्वाज और उसकी माँ के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। एक 35 साल का आदमी, साथ में बुजुर्ग माँ और 8 साल का बेटा,
सोचने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि ऐसे कहीं भी गाड़ी छोड़कर वो अपनी मर्जी से कहीं चले गए, और अगर चले भी गए तो क्यों? सर पवन दूसरी शादी करने के लिए लड़की देखने जा रहा था। कहीं कुछ खटास तो नहीं है पहली शादी में या फिर दूसरी शादी में? लेकिन अगर ऐसा है भी तो कोई दूसरे शहर में गाड़ी छोड़कर क्यों कहीं चला जाएगा? और सर बनारस एकदम ऑफ रूट है। कहाँ आजमगढ़, कहाँ बनारस? बनारस पुलिस से बात की? जी सर, हमारी टीम गश्त पर थी, तभी हमारी नजर इस लावारिस गाड़ी पे पड़ी। गाड़ी के अंदर चाबी तो लगी थी पर था कोई नहीं। हमने काफी देर इधर उधर देखा पर किसी का भी पता नहीं चला। सर बड़ा अजीब लग रहा है केस। ये निखिल पवन का छोटा भाई 16 तारीख की सुबह 7 बजे पवन को फोन करता है, इत्मीनान करता है कि भाई घर से निकला है कि नहीं, और फिर 2 घंटे बाद यानी 9 बजे फिर दोबारा से फोन करता है। उसे शायद फिक्र हो रही थी कि उसकी फैमिली सही सलामत है भी या नहीं, या फिर उसे ये फिक्र हो रही थी कि फैमिली सलामत रही भी है या नहीं, और ये कंफर्म करने के लिए उसने फोन किया। हो सकता है कुंदन, नफरत ज्यादा हो या फिर प्यार, नुकसान दोनों से होता है। हो सकता है इस फैमिली के गायब होने में फैमिली के ही किसी मेंबर का हाथ हो। हेलो, हम रजनी बोल रहे हैं। हाँ रजनी बोलिए, निखिल बोल रहे हैं। हमको रोहन से बात करनी है। रोहन? रोहन तो अभी यहाँ नहीं है। कहाँ गया? हम पवन का फोन भी लगा रहे थे, बहुत बार ट्राई किया, अनरीचेबल बता रहा है। भैया अम्मा और रोहन तीनों आजमगढ़ गए हैं, भैया शायद अपना फोन चार्ज करना भूल गए। ठीक है, जब भी तुम्हारी उनसे बात हो कह देना हमारी रोहन से बात करवा दो। ठीक है। इस वक्त रजनी का फोन आना कुछ अजीब नहीं लगता? रोहन से बात करना चाहती थी। भैया का फोन नहीं लग रहा इसलिए लैंडलाइन पे फोन किया। पता नहीं निखिल, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत घबराहट सी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अनर्थ होने वाला हो। सब इंस्पेक्टर कुंदन ओझा, चित्रपुर पुलिस स्टेशन आगरा। सब इंस्पेक्टर राकेश मेहरा बोल रहा हूँ, पद्मागढ़ थाना इलाहाबाद से। जी बोलिए। आपने 3 मिसिंग लोगों के फोटो सर्कुलेट किए थे, पवन भारद्वाज और उसके परिवार के। हाँ, कुछ पता चला उनके बारे में? उनमें से जो 8 साल का बच्चा मिसिंग है, रोहन भारद्वाज। क्या पता चला उनके बारे में? पेशाब करके आते हैं। वहां के सुपरवाइजर ने हमें लाश की जानकारी दी, हमने बॉडी की कस्टडी ली और पोस्टमार्टम करवाया। बच्चे को गला दबाकर मारा गया, ये देखिए स्ट्रैंगुलेशन मार्क। इसकी मौत करीब 48 घंटे पहले हुई होगी, यानी 16 अप्रैल को। जी हाँ सर। आगरा पुलिस स्टेशन से 3 मिसिंग लोगों के फोटोग्राफ्स आए थे, उनमें एक 8 साल का बच्चा भी था। लगता है ये बच्चा वही है, रोहन भारद्वाज नाम है। ये वही बच्चा है जिसे आप ढूंढ रहे हैं, रोहन भारद्वाज। बच्चे के साथ उसके पिता और दादी भी थे, उनका कुछ पता चला? जी नहीं, जहां हमें रोहन की लाश मिली थी हमने आसपास का सारा एरिया छान मारा, हमें और कोई बॉडी नहीं मिली। पवन भारद्वाज, उसकी मां नंदिता भारद्वाज और पवन के 8 साल के बेटे रोहन भारद्वाज के गायब होने के 2 दिन बाद रोहन की लाश मिली। मामला काफी संगीन हो चुका था, पुलिस की शक की सुई अब दूसरे प्लान की तरफ घूमने लगी, जो शायद पवन की फैमिली के आजमगढ़ जाने के प्लान के साथ साथ बनाया गया था। सर, पवन भारद्वाज और उसकी मां नंदिता भारद्वाज के फोन रिकॉर्ड्स आ गए। क्या कहते हैं ये फोन रिकॉर्ड्स? फोन स्विच ऑफ होने से पहले लास्ट लोकेशन थी इटावा। इटावा? फोन स्विच ऑफ होते हैं इटावा में और कार मिलती है बनारस के पास से, और रोहन की लाश मिली इलाहाबाद के जंगल से। मतलब पूरा एक ट्रायंगल बना। लगता है ये ट्रायंगल किसी ने हमें उलझाने के लिए बनाया होगा। कुंदन एक काम करो, इटावा पुलिस से कांटेक्ट करो और पूछो कि पवन और नंदिता भारद्वाज के बारे में किसी को पता चला क्या, और पद्मागढ़ पुलिस से कहो कि पवन भारद्वाज और नंदिता भारद्वाज के लिए सर्च जारी रखें।
कुंदन, ऐसा लग रहा है कि इस फैमिली के आजमगढ़ जाने के प्लान के साथ साथ किसी ने इस त्रिकोण के लिए भी प्लान बनाया होगा। पवन भारद्वाज और नंदिता भारद्वाज को ढूंढने के लिए अलाहाबाद के बाहर के एरियाज में एक मैसिव सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस को एक तरफ जहां यह उम्मीद थी कि वो उन्हें जिंदा ढूंढ लेंगे, वहीं दूसरी तरफ उन्हें यह आशंका भी थी कि शायद उनकी उम्मीद अधूरी ना रह जाए। जिसने मारा हमारे रोहन को, रोहन की बॉडी पुलिस का ऑर्डर अलाहाबाद से मिली। पवन का, लेकिन भैया और अम्मा का अभी तक कुछ पता नहीं चला। कहाँ छुपा बेटा वो? क्यों किया उसने हमारे बेटे के साथ ऐसा? ये क्या कह रही हो तुम? क्यों मारा हमारे बेटे को उसने? क्यों मारा हमारे बेटे को? क्यों किया हमारे रोहन के साथ ऐसे? रोहन भैया का भी बेटा था, 4 साल का था जब तुम उसे अकेला छोड़ के चली गई थी, जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हमने सोचा माँ हो तुम उसकी, तुम्हें जानने का हक है, इसलिए फोन किया। लेकिन तुम्हें ये सब सोचते हुए शर्म नहीं आती? हम कुछ समझे नहीं। तुम्हारे भाई आजमगढ़ जाने वाले हैं, ये बात किन किन लोगों को मालूम थी? हमें, हमारी पत्नी और गोवर्धन चाचा को, जिनके यहां वो रुकने वाले थे। और अंकिता और उसके परिवार को? जी हाँ सर। निखिल, तुम्हारे भाई की शादी तुम्हारे भाई की मर्जी के खिलाफ हो रही थी क्या? बिल्कुल नहीं सर। जब ये बात आई थी तब भैया शुरुआत में थोड़ा हिचकिचा रहे थे दूसरी शादी करने के लिए, फिर भैया ने काफी सोचा और हाँ कर दी। ये प्लान भी काफी सोच समझ कर बनाया गया था। कैसा प्लान सर? हमें लगता है तुम्हारे भाई के आजमगढ़ जाने के प्लान के साथ साथ किसी ने एक और भी प्लान बनाया था। हर जुर्म के पीछे एक मकसद होता है, इस जुर्म के पीछे भी था, लेकिन हम ठीक से देख नहीं पाए। तुम्हारे भतीजे को मार डाला गया, तुम्हारा भाई और मां मिसिंग है, तुम्हारे भतीजे की लाश हमें कहीं और से मिलती है, तुम्हारे भाई की कार कहीं और से, तुम्हारे भाई और मां के फोन कहीं और स्विच ऑफ होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्लान काफी पहले से बनाया जा रहा था, एक बड़ा प्लान, एक बड़ा मकसद हासिल करने के लिए। तुम्हारे भतीजे को मारकर तुम्हारे भाई और मां को गायब करके किसका फायदा हो सकता है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। एक्सक्यूज मी। हाँ कुंदन बोलो। सर, इस पवन भारद्वाज की प्रॉपर्टी किसी सोने की खदान से कम नहीं है, कोठी और बागान दोनों मिलाकर टोटल वैल्यू करीब 5 करोड़ की होगी। किसके नाम पर है प्रॉपर्टी? सारी प्रॉपर्टी पवन और निखिल के पिता पुरुषोत्तम भारद्वाज के नाम पर। हालांकि उन्होंने कोई वसीयत तो बनाई नहीं, लेकिन जाहिर है दोनों बेटों का हक तो होगा ही उसमें, रोहन का भी होगा ही। निखिल, तुम्हारा भाई और मां कहां है? आप हमसे पूछ रहे हैं? सर शायद आप भूल रहे हैं कि हमें उनकी मिसिंग की रिपोर्ट लिखाने आए थे। नहीं भूल रहे, और यह भी नहीं भूल रहे हैं मिस्टर निखिल कि 16 अप्रैल को तुम्हें अपने भाई की कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही थी। सुबह 7 बजे यह जानने के लिए फोन किया कि तुम्हारा भाई घर से निकला है या नहीं, और उसके 2 घंटे बाद यह जानने के लिए फोन किया कि वो इस वक्त कहां पर है। फोन ट्राई करना कोई गुनाह है क्या? बिल्कुल गुनाह नहीं, लेकिन डिपेंड इस बात पर करता है मिस्टर निखिल कि फोन किस इरादे से किया गया है। इरादा क्या हो सकता है सर? हमें अपने भाई की फिक्र थी बस। भाई की या प्रॉपर्टी की? ये क्या बकवास कर रहे हैं सर आप? देखिए, हमारा भतीजा मारा गया है, हमारी अम्मा हमारे भैया मिल नहीं रहे हैं, और आप उन्हें ढूंढने की बजाय हम पर ये घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। 5 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है मिस्टर निखिल, किसी का भी मान किसी की भी नियत तक मंगा सकती है। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे पति CRPF में ऑफिसर है, अच्छा कमा लेते हैं, और वैसे भी बागान का सारा मुनाफा तो भैया को जाता है। इनकी जिंदगी में पैसों से ज्यादा रिश्ते मायने रखते हैं, बहुत लगाव है इन्हें अपने भैया से। जब उनकी शादी टूटी थी तो इन्होंने ही उन्हें संभाला था। इन्हें बागान के पैसे और मुनाफों में कोई दिलचस्पी नहीं है, और ना ही थी। पैसों की नहीं, हमें अपने भाई की फिक्र है। बागान के फल बेचकर जो भी पैसे आते हैं भैया शराब में उड़ा देते हैं। कई बार तो अम्मा को हम पैसे भेजते थे घर चलाने के लिए। देखिए सर, आप जो भी सोच रहे हैं बिल्कुल गलत है।
गलत तो उन लोगों की सोच होती है निखिल, जो एक जमीन के टुकड़े के लिए अपनों के टुकड़े टुकड़े करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। और ऐसा हमने एक दो नहीं कई केसेस में देखा है। आप हमारी अम्मा और हमारे भैया को ढूंढे और ये पता लगाइए हमारे भतीजे को किसने मारा। आप अपना काम ठीक से करिए, सारे इल्जाम हम पर मरने का शॉर्टकट मत अपनाइए। ऐसे ताने भी हमने कई केसेस में सुने हैं कि हम अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, शॉर्टकट अपना रहे। बैठिए बैठिए बैठिए। हमने अच्छी तरह से समझ लिया मिस्टर निखिल कि आप कितने जिम्मेदार बेटे हैं, कितने जिम्मेदार भाई हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दो मिस्टर निखिल कि आपके भाई की दूसरी शादी की प्लानिंग के साथ साथ एक और प्लानिंग की जा रही थी जिसके चलते यह सब हुआ। और चाहे कुछ भी हो जाए हम इस प्लान का पर्दाफाश करके रहेंगे। डिवोर्स पेपर हमने साइन कर दिया, जब आप पूरी तरह से होश में आ जाए तो खुद भी कर दीजिएगा। हम जा रहे हैं। रजनी, रजनी, रजनी पर बात क्या हो गई? सुन, अरे ये क्या कर रही हो तुम? रजनी सुन, ये सब क्या कर रही है रजनी? अब होश आ गया तुमको? रजनी ऐसे कैसे जा रही है अचानक? अचानक कुछ भी नहीं हुआ है पवन, कितना दिन से वो धमकी दे रही थी, अरे हमारे सर पे नाच रही थी सो अलग। पर तुम्हें कहाँ दिखाई देता है, तुम तो अपने नशे में मस्त थे, न तो तुम्हें हमारी बात सुनाई दे रही थी और ना ही उसकी धमकी। पर ऐसे कैसे वो रोहन को छोड़ के जा सकती है? कल रात ही वो हमको बता दी थी कि वो तुम्हें तलाक देकर जा रही है। सर, निखिल के फोन रिकॉर्ड स्कैन किए, शक करने जैसा कुछ भी नहीं निकला। पद्मागढ़ पुलिस से कुछ पता चला? नहीं सर। इस बात के चांसेस कुछ कम ही लग रहे हैं कि पवन भारद्वाज और उसकी मां नंदिता भारद्वाज इस समय जिंदा हो। हाँ, अगर ये गायब होने का प्लान उन्होंने खुद ही बनाया है तो बात अलग है। सर लेकिन वो ऐसा करेंगे क्यों? पवन को आखिर अपने बेटे को मार के मिलेगा क्या? और अगर वो ऐसा सोचे भी तो इन सब में उनकी मां क्यों उनका साथ देगी? रोहन आखिर पोता था उनका। इस केस में ना तो कोई सस्पेक्ट ना ही कोई मकसद सामने आ रहा है। चलो मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी कोई मकसद नहीं था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दूसरी शादी वजह है इनके गायब होने के पीछे? सर अगर ये शादी वाला एंगल सोचे भी तो इन सबके बीच दो औरतों को सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला था, एक पवन की एक्स वाइफ रजनी और दूसरी उसकी होने वाली बीवी अंकिता। हो सकता है इन दोनों के पास मोटिव हो, रजनी को अपने एक्स हस्बैंड की दूसरी शादी की बात सुनकर गुस्सा आया हो, और यह भी हो सकता है कि अंकिता की जिंदगी में कोई दूसरा आदमी हो और उस पर यह शादी जबरदस्ती थोपी जा रही हो। हमारी निखिल से बात हुई, पवन और उसकी मां का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। एक्स वाइफ और होने वाली वाइफ दोनों पर शक बनता है। एक काम करो, एक्स वाइफ रजनी के फोन रिकॉर्ड निकलवाओ, सबसे पहले उसी से सवाल जवाब करते हैं। सर अपना कोई खबर है आजमगढ़ में? एक है सर, चंदू। उसे कहो कि अंकिता की कुंडली निकाले और पता करे कि यह शादी वो अपनी मर्जी से कर रही थी या मजबूरी में। नो सर, अभी तक उनकी कोई खबर नहीं मिली, पर मुझे यकीन है कि वो दोनों जरूर मिलेंगे जिंदा। हाँ जरूर मिलेंगे,
लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। अगर तुम चाहो तो इन्वेस्टिगेशन स्पीड अप करने के लिए मैं हायर अथॉरिटी से बात कर सकता हूँ। थैंक यू सर, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। छुट्टियों की फिक्र मत करना, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। समझ नहीं आता पायल, कौन ऐसा कर सकता है? निखिल, हमें लगता है कि शायद रजनी को यह बात जरूर चुभी होगी कि भैया दोबारा शादी करने वाले हैं। सच कहें तो हमें समझ में नहीं आता निखिल कि एक औरत तलाक दे के अपने 4 साल के बच्चे को छोड़ के कैसे जा सकती है। ना तो उसने हरजाना मांगा और ना ही रोहन की कस्टडी। हमें लगता है कि वो मन ही मन गुस्सा पाल रही थी, और जब उसे भैया की दूसरी शादी का पता चला तो गुस्सा फूट गया। आप हमसे क्या बात करना चाहते? रजनी जी, आपके बेटे को मारा गया है और आपके एक्स हस्बैंड गायब है। सही कहा आपने, एक्स हस्बैंड 4 साल पहले रिश्ता टूट चुका था हमारा। अब हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। और अपने बेटे से? वो तो रहा नहीं इस दुनिया में। हम उसी के कातिलों को ढूंढने के लिए आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। हमारे पास आपको बताने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हम जान लेंगे। फिलहाल आप ये बताइए कि आप कल खुद आ रही हैं या टीम भेजूं आपको यहाँ लेकर आने के लिए? हमको पता है कि आप ये पूछताछ के बहाने बुलाकर सवालों के चाल में हमको फंसाएंगे और ये साबित करना चाहेंगे कि सब कुछ हमने किया। देखिए रजनी जी, एक मर्डर केस है। और मर्डर केस से ताल्लुक रखने वाले हर किसी से हम पूछताछ करते ही हैं। इसे रूटीन इंक्वायरी कहते हैं। हो सकता है हमें आपसे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जो इस केस को सुलझाने में हमारी मदद कर सके। अब आप बताइए, आप हमारी मदद करेंगे? यह हमें जबरदस्ती आपसे मदद लेनी होगी। पुलिस का फोन था? हाँ, वो हमसे कुछ सवाल करना चाहते, कल बुलाया है। बेटा, रोहन के दाह संस्कार के बारे में क्या कहा निखिल ने? वो लोग चाहते हैं कि पवन ही रोहन की चिता को आंक दे, लेकिन जब तक सब मिल नहीं जाते हमको इंतजार करना पड़ेगा। पवन को छोड़ने का तेरा फैसला बिल्कुल सही था। वो आदमी, वो घर तेरे लायक नहीं थे। काफी कुछ भुगता तूने वहां, लेकिन बेटा रोहन को छोड़ना गलत था। उस बेचारे की कहां कोई गलती थी? सही कह रहे बाबा। अब हमको एहसास हो रहा है कि हमने कितने बड़े भूल कर दी। हमको रोहन को छोड़कर नहीं आना चाहिए। ये रजनी का कैरेक्टर को समझ में नहीं आ रहा है। रजनी को तो उल्टा हमारा सपोर्ट करना चाहिए। उसके अपने बेटे को मारा गया, ये हमारी क्वेश्चनिंग से इतना घबरा क्यों रही है? मुझे भी ये बात काफी अजीब लगी सर। उसे सख्ती से समझाया, कल आएगी जरूर। निखिल के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, निखिल के बारे में जिससे भी पूछा उनका कहना है कि दोनों भाइयों में काफी अच्छी बनती थी। और अंकिता? अंकिता की किसके साथ बनती थी? सर, चंदू ने बताया अंकिता काफी सीधी साधी लड़की है। साहब, ये अंकिता ग्रेजुएट है साहब, कंप्यूटर का एक कोर्स भी की है। आजमगढ़ में एक छोटा सा कंपनी है, वहीं पे नौकरी करती है। और लफड़ा उफड़ा तो बहुत दूर का बात है, कोई लड़का से खास दोस्ती भी नहीं है उसका। कभी ऑफिस में कोई दोस्त रहो या फिर कॉलेज में? ऐसा कुछ तो मालूम नहीं चला है साहब। इसका शादी जो है वो माए बाप फिक्स किए हैं। मगर साहब, एक वो बात है जो हमको हजम नहीं हो रहा है साहब। क्या? ये जो पवन भरद्वाज है, एक 8 साल के बच्चे का बाप है। दोबारा इसका बैंड बाजा बजने जा रहा है। जो अंकिता है, 27 साल की कुंवारी लड़की, ऊपर से सुंदर, तो क्या मतलब बनता है कि एक तलाकशुदा आदमी के साथ शादी करने के लिए रेडी हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि पवन भारद्वाज और अंकिता ने मिलकर ये प्लान बनाया हो? क्योंकि हो सकता है अंकिता ने पवन से कहा हो कि उसे ये बच्चा नहीं चाहिए, और रोहन को रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने प्लान बनाया हो, और पवन खुद कहीं गायब हो गया हो ताकि उस पर किसी को शक ना जाए। मतलब बच्चा किसी को नहीं चाहिए था। माँ ने तो बच्चा पहले छोड़ दिया था, और अब बाप को बच्चा दूसरी शादी में रुकावट लग रहा होगा, इसीलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया। अभी तक हमें सिर्फ बच्चे की बॉडी मिली है। हो सकता है पवन भारद्वाज और उसकी माँ नंदिता भारद्वाज कहीं छुप कर बैठे हो, और कुछ दिनों बाद मामला ठंडा होने पर कोई मनगढ़ंत कहानी लेकर खुद सामने आ जाए। क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ था जैसा कि पुलिस सोच रही थी? क्या पवन और उसकी मां जानबूझकर गायब हुए थे? क्या दोनों प्लान पवन ने ही बनाए थे? इन सभी सवालों के जवाब पुलिस को अगले 24 घंटों में मिल गए। सब इंस्पेक्टर मनीष दुबे बोल रहा हूँ, आउटर लखनऊ पुलिस स्टेशन से। जी मनीष जी, कुछ दिन पहले आपने हमें 3 लोगों के फोटो भेजे थे। उन 3 लोगों में से 2 के बारे में हमें आज पता चला है। पवन और उसकी माँ के मोबाइल्स में सिम कार्ड जिस तरह गलत तरीके से डाले गए, उससे लगता है कि ये काम भी कातिल ने ही किया होगा। ये प्लान बहुत ही सोच समझ कर बनाया गया है। ये किसी बहुत ही शातिर दिमाग आदमी का काम है।
सब इंस्पेक्टर मनीष दुबे बोल रहा हूँ, आउटर लखनऊ पुलिस स्टेशन से। जी मनीष जी, कहिए। कुछ दिन पहले आपने हमें 3 लोगों के फोटो भेजे थे, उन 3 लोगों में से 2 के बारे में हमें आज पता चला है। कहाँ मिले आपको वो लोग? हमें पहले तो नंदिता भारद्वाज की लाश मिली। सर, यहां पर एक और लाश मिली, उस तरफ। उन दोनों के मोबाइल फोन्स भी उनकी बॉडीज के पास ही मिले, लेकिन मोबाइल फोन में एक बात ऐसी थी जो हमको बहुत अजीब लगे। सर, ये फोन मिला है। दोनों मोबाइल फोन्स के सिम कार्ड स्लॉट में सिम कार्ड्स तो थे, पर उल्टे इंसर्ट किए गए थे। हमको लगता है कि ऐसा जानबूझकर किया गया होगा। सर, पवन और उसकी मां की मौत गोली लगने की वजह से हुई थी। दोनों के सर के पीछे एक एक गोली मारी गई। कब हुई इन दोनों की मौत? सर, पोस्टमार्टम 22 तारीख को किया गया था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत को हुए 72 घंटे से ऊपर बीत चुके थे। बॉडीज काफी सड़ चुकी थी, इसलिए एग्जैक्ट डेट बता पाना मुश्किल है। हो सकता है ये दोनों मर्डर्स भी 16 अप्रैल को ही हुए हो। ये केस पहले 3 लोगों का मिसिंग केस था, उसके बाद एक मर्डर, 2 मिसिंग, और अब ट्रिपल मर्डर केस बन गया। पवन और उसकी माँ के मोबाइल्स में सिम कार्ड जिस तरह गलत तरीके से डाले गए, उससे लगता है कि ये काम भी कातिल ने ही किया होगा। ये प्लान बहुत ही सोच समझ कर बनाया गया है, ये किसी बहुत ही शातिर दिमाग आदमी का काम है। निखिल, क्या हुआ? पुलिस को अम्मा और मिया की लाश मिली, किसी ने गोली मार दी उन्हें। आठ साल के रोहन की मौत ने सबको चौंका दिया था, लेकिन जब यह पता चला कि 3-3 लोगों की हत्या हुई है, तो इस खबर ने सिर्फ विक्टिम के परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे शहर को सकते में डाल दिया। सभी सदमे में थे, सभी दुखी थे, लेकिन इनमें से किसका दुख वाकई दिल से निकल रहा था और कौन दुखी होने का दिखावा कर रहा था? पवन भारद्वाज और उसकी मां की लाश मिलने के बाद ये बात साफ हो रही थी कि वो दोनों भी इस घटना में पीड़ित थे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं था कि प्लान उल्टा पड़ गया था, शिकारी खुद शिकार हो गया था? हमने कई केसेस में यह देखा है कि ऐसे लोग अपराधी के तौर पर सामने आते हैं जिन्हें देखकर यकीन ही नहीं होता कि ये शख्स इस हद तक गिर सकता है। फिलहाल मुजरिम एक दुखियारे का नकाब ओढ़कर चैन से जी रहा था, पर यह नकाब उठेगा और खूनी का पर्दाफाश होगा कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। फिर मुलाकात होगी, तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। अब तुम पूछोगे निखिल कि कल हम जा रहे हैं कि नहीं? हाँ भैया, हम यही पूछने वाले थे। हाँ भाई, जा रहे हैं हम आजमगढ़, और साथ में अम्मा और रोहन भी चल रहे हैं हमारे साथ। भैया आप पी रहे हैं? हाँ, लेकिन थोड़ी सी पी है। भैया आप तो थोड़ा सीरियस हो जाइए, कल पहली बार अंकिता से मिलने जा रहे हैं। अंकिता से पहली बार मिल रहे हैं? शादी तो पहली बार नहीं कर रहे। लेकिन भैया आपकी शराब की आदत से कहीं बनती हुई बात ना बिगड़ जाए। बात कैसे बिगड़ेगी, अंकिता को सब पता है, हमने सब कुछ उसे पहले ही साफ साफ बता दिया। क्या बता दिया? यही कि शौक के लिए पी लेते हैं। मतलब हम समझे नहीं।